बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आज दिनांक 8 जनवरी 2022 को भारत की जनवादी नौजवान सभा का दो दिवसीय राज्य सम्मेलन किसान मजदूर भवन चितकारा पार्क केथू में नफरत और नशा बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो के नारे के साथ शुरू हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन विधिवत रूप से नौजवान सभा के राज्य उपाध्यक्ष महेंद्र राणा ने ध्वजारोहण व शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए किया। इसके पश्चात नौजवान सभा के पूर्व राज्य सचिव कुशाल भारद्वाज ने उद्घाटन भाषण में बात रखते हुए देश के स्वाधीनता आंदोलन से लेकर आज तक देश को आजादी की लड़ाई में नौजवानों द्वारा निभाई गई अहम भूमिका पर बात रखी। इन्होंने देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर बात रखते हुए कहा कि वर्तमान की केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार नौजवान विरोधी है। यह सरकार लगातार देश में नव उदारवादी रास्ते पर आगे बढ़ रही है, जिससे सभी सार्वजनिक संपत्तियों को बेचा जा रहा है। मैं चंद्रकांत वर्मा, DYFI राज्य अध्यक्ष ए सेक्रेटरी हूँ। आज जो हम ये राज्य सम्मेलन, 12वां राज्य सम्मेलन शिमला जिला के अंदर करने जा रहे हैं, हमने इस सम्मेलन के शुरुआत के अंदर ही अपना नारा दिया है, नफरतवाद नशा बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो नारे के साथ हम ये अपना 12वां सम्मेलन आज शिमला जिला के अंदर करने जा रहे हैं। आप समझ जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये 12वां राज्य सम्मेलन होने जा रहा है, इस राज्य सम्मेलन के अंदर हम सीधे तौर पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की बेरोजगारी एक जो आंकड़े हैं वो जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको चिन्हित करते हुए प्रदेश की सरकार को और केंद्र सरकार की उसके अंदर हम दोषी ठहरा रहे हैं। और दोषी इसलिए ठहरा रहे हैं कि आप सब लोग जानते हैं कि जब से केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार हो या राज्य के अंदर भाजपा की सरकार हो, रोजगार के नाम पर सिर्फ जुमले ही दिखाए जा रहे हैं। और आज का सम्मेलन जो हम चर्चा परिचर्चा करके इस सम्मेलन के अंदर ला रहे हैं, इस सम्मेलन को हमारा जो पूरे प्रदेश के अंदर हम एक नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे और इस कार्यकारिणी के गठन के साथ हम हिमाचल प्रदेश के अंदर नफरत को बंद करो और नशा को कारोबार को बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो के नारे के साथ हम प्रदेश के अंदर अपने काम को आगे की ओर ले जाने की इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं। और इस सम्मेलन का उद्घाटन साथी कुशाल बादल जो हमारे पूर्व राज्य सचिव रहे हैं उनने किया है। और इस उम्मीद के साथ हम इस सम्मेलन के अंदर जा रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर नौजवानों के आंदोलन तैयार किया जाएगा, जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नौजवान विरोधी नीतियों के खिलाफ हम एक पुख्ता आंदोलन के तहत इस काम को करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।